अब बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। निकाय चुनाव के लिए सुबह सपा ने कमर कस ली है। पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। 5 नगर निगम, 117 नगर पंचायत, 87 नगर पालिका पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। स्थानीय मुद्दों के साथ शराबबंदी का मुद्दा उठाया जाएगा। घरेलू बिजली के बिल माफी और महिला के हक अधिकार की बात भी की जाएगी। तो ये बता दें आपको, सुबह सपा भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि लिस्ट जो है उम्मीदवारों की पहले चरण के लिए वो सुबह सपा ने जारी कर दी है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अब इन तारीखों के ऐलान के बाद लिस्ट जो है सुबह सपा ने वो जारी की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है और 5 नगर निगम, 117 नगर पंचायत, 87 नगर पालिका पर उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। स्थानीय मुद्दों के साथ शराबबंदी का भी एक मुद्दा होगा। घरेलू बिजली पानी के बिल माफी और महिला के हक अधिकार की बात की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर सुबह सपा से जुड़ी हुई है। और कहां कहां से कौन कौन सा प्रत्याशी उतारा गया है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। नीतीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, सुबह सपा की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है पहले चरण के लिए। निश्चित तौर पे पहले चरण के जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई और हमारे साथ सुभाषवा नेता मौजूद भी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश जी, 5 नगर निगमों की लिस्ट आपने जारी की, जो प्रत्याशी उनको घोषित किया, तो इसके पीछे क्या हमें जानना चाहते हैं? देखिए, पार्टी है, चुनाव आयोग ने सूचना जारी कर दिया, तो हमारे पास जो पहलवान तैयार किए हैं तो उन पहलवानों को लेकर के अखाड़े में तो जाना पड़ेगा ना। बात अगर अन्य राजनीतिक दलों की करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, तो वो लोग अगर दलित, कोई दलित करा, कोई पिछड़ा करा, आपने लखनऊ अगर बात करें, लखनऊ से तो एक ब्राह्मण को टिकट दिया, इसके पीछे क्या? नहीं देखिए, हमारे यहाँ जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम हकमारी का काम नहीं करते सपा बसपा की तरह। हम जिसका जितना हिस्सा है हम उसका उतना हिस्सा देने के लिए काम करते हैं। उसका एक प्रमाण आपको पिछले पंचायत चुनाव में भी मिलेगा। विधानसभा चुनाव को अगर आप देखेंगे तो संविधान में 4 जातियां हैं, चारों जाति को हमने MLA बना के अपने पास रखा है, चारों जाति को। तो हम हिस्सेदारी सबको देने की बात करते हैं और लड़ाई लड़ने की बात करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। जिन नगर निगमों के प्रत्याशियों की घोषणा की है, जरा हमारे दर्शकों को उनके नाम और उन जगहों को भी बता। देखिए, अभी आपने जैसे जिक्र किया लखनऊ, तो लखनऊ में श्रीमती अलका पांडे जी जो मेयर पद के प्रत्याशी नगर निगम के, रमेश राजभर कानपुर, महेश प्रजापति प्रयागराज, दयाराम भार्गव आपके गाजियाबाद, और बनारस तिवारी जी कोई हैं, आनंद तिवारी, ये 5 नाम। बात अगर कहें तो आपका एक एजेंडा भी है जो सबकी हिस्सेदारी की आप बात कह रहे हैं, तो ऐसे में कि अगर आगे के दिनों में योजना किन मुद्दों को लेकर जमीन पर उतरे? देखिए, अलग अलग जिले में अगर अलग अलग नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में कहीं कचरे की समस्या है तो कहीं जलभराव की समस्या है, कहीं गली ठीक करने की समस्या है, आम समस्याओं को लेकर, आम समस्याओं को। लेकिन सब अगर कुछ लोगों को आज आपने पार्टी भी ज्वाइन कराई, उसमें समाजवादी पार्टी और बसपा से जुड़े हुए लोग, तो ये बड़ी सेधमारी कही जा रही है। किस तरह की सेधमारी और आगे की क्या योजना? अभी तो ये झांकी है, अभी पूरा खेल बाकी है। खेल किस तरह का खेल? अभी देखते जाइए कि कितने लोग सपा बसपा से इधर आ रहे हैं। भगदड़ मच जाएगी, ये लोग संभाल नहीं पाएंगे कि राजभर जी क्या कर रहे हैं। आप लोगों से मैंने चुनाव के पहले भी कहा था तो आप लोग मानते नहीं थे, लेकिन जब दाव लगाया तो आप लोग मान गए। अब काम हमने शुरू किया अपनी पार्टी को ताकत देने के लिए। विभिन्न दलों से जो लोग इधर विचारों से आने के लिए तैयार हैं, अब उनको पार्टी ज्वाइन कराने का। राजभर जी, कुछ बड़े लोग भी संपर्क में हैं क्या? अगर हैं तो किन पार्टियों के हैं, किन से संपर्क साध रखा है, या आपसे किन्होंने संपर्क साध रखा? अभी आपने देखा रामलली चौधरी जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। इस तरह बहुत लोग हैं जो हम आपके सामने ले आएंगे। मंत्री, पूर्व मंत्री या कोई सदस्य क्या है? वो पूर्व विधायक रामलली चौधरी और पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी के, रामलली चौधरी जी ने पार्टी ज्वाइन की है। तो अभी कई लोग संपर्क में? कई लोग हैं, आप देखते जाइएगा, अब हम आपको दिखाएंगे। अब शुरू किए हैं, शुरू किए हैं। हाँ, आप आज से शुरुआत कर दिए हैं। किन किन पार्टियों के लिए? अब सबको खुली छूट है, यहाँ यहाँ एकदम दरवाजा खुला है, चाहे जितने लोग आवे, अजीत पार्टी से आवे।
अतीक अहमद को प्रयागराज कोर्ट लाया जा रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? न्यायालय का मामला है, न्यायालय के आदेश पर पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। कानून व्यवस्था आपका भी मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। कुछ ऐसे अपराधियों के काम में कुछ शरीफ भी पिस रहे हैं, हम खुदे गवाह हैं कि हमारे खिलाफ खुदे मुकदमा हो गया। वो चरागाह की जमीन कब्जा करने का हमको पता नहीं, कहाँ चरागाह की जमीन है, कहाँ कब्जा करने चले गए, हम मुकदमा हो गया। तो ये कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं जो फर्जी केस भी दर्ज करा ले रहे हैं। अभी आने वाला वक्त नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका। और ओम प्रकाश राजभर से वो बात कर रहे थे, लिस्ट पहली जारी कर दी गई उनकी तरफ से। अभी कहा जा रहा है कई पार्टियों के लोग जो इनके संपर्क में हैं, और अभी खेल बचा हुआ है, ये सिर्फ शुरुआत है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक की।